महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में एक सीट बहुत अहम है, शिवाजी नगर मानपुर। यहाँ से नवाब मलिक, अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, वही महायुति के सुरेश पाटिल भी है और अबू हाशिम आजमी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और मसला ये है कि इस सीट के ऊपर सारे लोगों का ध्यान है, मुस्लिम चेहरा जो है वो कौन रहेगा, अबू हाशिम आजमी या नवाब मलिक। नवाब मलिक पूर्व मंत्री थे और महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम समाज में एक बड़ा चेहरा। मेरे साथ नवाब मलिक है। नवाब जी, पहले तो ये है कि अनुशक्ति नगर छोड़ के आप शिवाजी नगर मानपुर में कैसे आए? देखिए, मैं तो इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाला था, ये सच्चाई है। मैं गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तारी के बाद विधानसभा मेरी लड़की देख रही थी। जब मैं छूट के आया तो छूट के आने के बाद जब मैं दफ्तर में बैठने लगा तो भीड़ थी, लड़की नहीं रहती थी, तो मैं पूछता था कि मैं बुलाऊं लोगों को, तो ऑफिस के लोग बोलते थे कि ये मैडम से मिलने के लिए आए। तो ऐसे लगातार दो तीन महीने मैंने देखा कि मुझसे ज़्यादा संपर्क में लोग उसके हैं। तो उसी वक्त मैंने फैसला किया कि आप इसी को चुनाव लड़ेंगे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन पिछले 5 महीने से पूरे क्षेत्र के लोग जो शिवाजी नगर मानपुर के, वो लोग आके बोल रहे थे कि आप चुनाव लड़िए। तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, लोग कुछ लोग होते हैं नाराज होते हैं, कुछ लोग समर्थन में रहते हैं, तो नाराज़गी थी शायद उनकी। लेकिन कुल मिला के जिस तरह से हालात गुंडागर्दी, माफिया राज, लाठी लेके लोगों को डरा देना कि कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे, कोई एनजीओ के लोग उनके कार्यालय में जाए साफ सफाई के लिए तो उसके साथ मारपीट करना, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, ड्रग का पूरा साम्राज्य फैला हुआ है, तो फिर हमने फैसला किया कि अब चुनाव लड़ेंगे। ये मानपुर ही आपने सुना, मानपुर और शिवाजीनगर, ये सब वहाँ हो रहा है। जी जी, इसको रोकने के लिए आप आए? नहीं, जनता ने मुझे बुलाया है कि आप आइए लड़िए और हम लोगों को इस चीज़ों से मुक्ति दिलाइए। अब ऐसे आदमी कह रहे हैं कि अगर नशे को नशा बंद करना है तो नवाब मलिक के घर में ही बहुत सारे केसेस है। नहीं, बहुत सारे नहीं, मेरे दामाद को समीर वानखेड़े नाजायज फंसाया था और अब वो उसकी मृत्यु हो गई। और आसिम साहब को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है उसके बारे में इस तरह से नहीं बोला जाता। लेकिन ये बात सच है कि नाजायज उसे फंसाया गया था और उसके बाद ही समीर वानखेड़े की हमने पूरी तरह से फर्जीवाड़ा देश के सामने खोल दिया। 9 महीने के बाद जमानत हुई, जमानत के कागज में मामला किस तरह से फर्जी है वो सारे ऑर्डर में लिखा है। हमने डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की थी लेकिन 1.5 साल तक जो एनसीबी है उसने कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया, साल भर से। लेकिन उसकी इंतकाल के बाद, मौत के बाद ये मामला बंद हो जाएगा ये मालूम है हमें, लेकिन हम उसे लड़ेंगे। मेरी बेटी ने कहा है कि मेरे जो जिंदा नहीं है मेरा पति, वो बेगुनाह था, इसके लिए कानून में जिस तरह से चीज़ें होगी हम उसको लड़ेंगे और साबित करेंगे कि वानखेड़े ने नाजायज फंसाया था। एक और जो मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, देश जान रहा है कि वानखेड़े ने किस तरह से फंसाया था। लेकिन आदमी साहब खुद ड्रग का धंधा करवा रहे हैं, उनका सगे भाई का लड़का भतीजा, ये कैलाश राजपूत का जो रैकेट है पूरे देश में चलता है उसका पूरा रैकेट वो चला रहे हैं, केसेस उसके ऊपर हुए हैं, दिल्ली के लोगों ने अरेस्ट किया, गोवा की इतनी चीज़ें चली। तो जो खुद ड्रग के, जिसकी पार्टी के लोग ड्रग का पूरा रैकेट चला रहे हैं, जिनके घर के लोग ड्रग का बिजनेस चला रहे हैं, वो जो एक जिंदा नहीं है उस पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती। हम तो लड़ेंगे लेकिन पूरा ड्रग का जो खेल है ये आजमी साहब के लोग, उनकी पार्टी के लोग चला रहे हैं और लोग चाहते हैं कि उससे मैं लोगों को मुक्ति दिलाऊं। और मैं वादा करता हूं कि जीतने के बाद वहां पे एक भी ड्रग बेचने वाला नहीं रहेगा, या तो जेल में जाएगा या एरिया छोड़ के भाग जाएगा। नौ भाई, जितने आप कई बार मंत्री रह चुके हैं, अजीत दादा के साथ अभी रह चुके हैं, अजीत दादा की सरकार महायुति है, तो उस वक्त अजीत दादा की सरकार ने महायुति की सरकार अजीत दादा उसमें उपमुख्यमंत्री है, तो अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। आजमी साहब तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, हर दिन कागज लेके सारे मंत्रियों के दरवाजे पे हैं, तो मुझे लगता है कि आजमी साहब
राज्यसभा में वोट किसको देते हैं, एमएलसी के चुनाव में किसको देते हैं, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, सारे अधिकारी ला के बिठाते हैं, गलत काम करवाते हैं, हमें लगता है चीजें हम रोकेंगे। पूरा पूरा गुंडा राज, माफिया राज, ड्रग का साम्राज्य कहीं ना कहीं उन्होंने फैला रखा है। तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, महाराष्ट्र की सरकार उनके दोस्त हैं, उनके अबू आसिम बिल्कुल उनके निजी संबंध अच्छे हैं। दूसरी एक बात है कि अजीत दादा पवार ने आपको टिकट दिया, एकनाथ शिंदे तो नहीं मान रहे, तो क्या हो रहा है? मैं तो सबके खिलाफ लड़ रहा हूँ, मुझसे बहुत प्यार है, बीजेपी ने कहा कि हम मदद नहीं करेंगे, उनका इतना प्रेम मुझ पर है कि देश और दुनिया जानती है, और मैं जनता मुझे चुनाव लड़ा रही, कोई दल मुझे चुनाव नहीं लड़ा रहा, और जब जनता चुनाव लड़ाती है तो ताकत से जीताती है। मलिक साहब, एक है कि आपको देशद्रोही के मामले में फंसाया गया है, आपको जेल में भी डाला गया, आपके मैंने आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, आपने नहीं, आपने जो कहा आपके ऊपर में मैं मुकदमा दर्ज करूंगा, समझे मिस्टर अटवले, कि आप अपनी अपनी भाषाओं को मर्यादा में इस तरह रखिए, आप बोलो बीजेपी लगा रही है, ऐसे बोलो, जो लोग इस तरह के, सुनिए जरा मिस्टर अटवले प्लीज लिसन, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, डिफेमेशन के केसेस उन पर डाले जाएंगे, क्रिमिनल और सिविल दोनों, और कितना भी बड़ा नेता होगा, पत्रकार होगा, हम उन पर मुकदमा डालेंगे। लेकिन ये बात है, महायुति में कैसे है, बीजेपी महायुति में है, राष्ट्रवादी अजीत पवार की महायुति में है, नवाब मलिक से प्रेम है, नवाब मलिक के लोग खिलाफ है, तो ये वोट कंफ्यूज नहीं होगा, कोई कंफ्यूज नहीं, जनता मेरे साथ है, मैं अजीत पवार के साथ हूँ, मेरे खिलाफ बीजेपी शिवसेना है, लोग देख रहे हैं, मैं वैचारिक रूप से अपनी जगह पे खड़ा हूँ, और ये चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किस तरह के नतीजे है, जो मिली भगत की राजनीति इस देश में कर रहे हैं, शिवाजी नगर और मानपुर की जनता देख रही है कि जो राजनीति विधायक जी कर रहे हैं, कहाँ किसके साथ कौन मिला हुआ है, इसकी जानकारी लोगों को है, और नतीजे बताएंगे कि जनता क्या चाहती है। एक महाराष्ट्र में मुस्लिम कोड जो है, जैसे अभी शिवाजी नगर मानपुर का देखा जाए तो लोकसभा में तकरीबन 85,000 कोड जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ गए, 1,18,000 और वहाँ की मुस्लिम कोड जो बताएंगे नहीं, नवाब मलिक, अबू हाशिम आजमी, यानी का रिपोर्ट नहीं, कांग्रेस लागू करती है ना बीजेपी लागू करती है, मुस्लिम एक नहीं है, तो ये किस तरह से देखते हैं? देखिए महायुति के पास 28,000 वोट है, और वो 28,000 वोट भी वो बचा पाएंगे कि नहीं, ये उनके लिए चुनौती है। और मैं आपको साफ कह देता हूँ कि नतीजे इतनी अलग तरीके से आने वाले, लोग चौंक जाएंगे, मुझे लगता महायुति भी 8,000 के भीतर में पड़ जाएगी, पिछली बार 48,000 मिली तो उससे नीचे हो जाएगी, 8,000 पिछली बार, और लोकसभा दो अलग चीजें, शिवसेना टूटी हुई है, तो वो पिछली बार 48 और इस बार लोकसभा का 28, जनता किसी दल के साथ परमानेंट नहीं रहती, जनता मुद्दों पे वोट डालती है, शिवाजी नगर मानपुर के मुद्दे अलग हैं, जो लोग चुनावी मैदान में है उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त है, और निश्चित रूप से जनता मेरे साथ है। आपको सेक्युलर नेता करके कहा जाता है, मैं हूँ कहा नहीं जाता, आप बीजेपी के साथ तो इसका मैं बीजेपी के साथ हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। ये बताओ कि क्या करना चाहते हो, आपने कहा कि नशाखोर गए वहाँ, और ये एक अलग मैं मुंबई देखता हूँ, एक रेमंड पॉइंट वाली मुंबई और दूसरी मानपुर वाली, सबसे गरीब इलाका है, काम करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं, नशे से मुक्ति दिलाना है, गुंडागर्दी का खात्मा करना है, प्रदूषण की समस्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्कूल की समस्याएं हैं, और बहुत सारा काम करने का मौका है, कुपोषण का मामला यहाँ पर है, औसत आयु लोगों की कम है, मुझे लगता है कि अगर काम करना है तो ये क्षेत्र सबसे उपयोगी क्षेत्र है लोगों की भलाई करने के लिए। नवी मुंबई से जब मुंबई में एंटर करते हो तो ये प्रवेश द्वार है, एक तरफ अनुशक्ति नगर है, दूसरी तरफ शिवाजी नगर, मुझे लगता है कि यहाँ का चेहरा मोहरा तो बदलना चाहिए, लेकिन लोगों के जीवन में भी बदलाव हो, इसका हम प्रयास करेंगे, आप देखेंगे
इस बार हम दोनों सीटों पर जीतेंगे और लोगों के जीवन में बदलाव आते हुए आपको नजर आएगा। मेरे आते हैं दो तीन सवाल। लोकसभा में जो वहाँ महाविकास आघाड़ी को 21 सीटें मिली, मिलाकर 30 मिलाकर 31 हो गए। विधानसभा में जिस तरीके से महायुति सामने जा रही है, मुझे पता नहीं। मैं महाराष्ट्र, सुनिए ना आठवले जी, आप पूछ रहे ऐसा हुआ वैसा हुआ, देश में महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट आने वाला मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दोनों सीटें जीत रहा हूँ ये मुझे पता है। एक लेकिन ये भी बात सच है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति है, बहुत कांटे का मुकाबला है। स्पष्ट बहुमत किसी को कोई दावा करे कि हम 160-170 सीटें ले आएंगे, नेक टू नेक फाइट है। और इस बार जो नतीजे आएंगे, अजीत पवार एक किंग मेकर, एक की रोल जो भी सरकार बनेगी उसमें उनका रहेगा। आप शरद पवार की पार्टी में थे, अजीत पवार के साथ चले, जिस पार्टी में था उसी पार्टी में हूँ। घड़ी के निशान पे मैं राजनीति करता रहा, मैं वही हूँ। पवार साहब के साथ नहीं गया ये सवाल हो सकता है, लेकिन अजीत दादा मेरे साथ बहुत ताकत से रहे, मैं उनके साथ हूँ। और पवार साहब से भी मेरे संबंध अच्छे हैं, सुप्रिया दाई से भी अच्छे हैं, उद्धव ठाकरे जी से भी अच्छे हैं। मैं उनका आभारी हूँ कि मैं जेल जाने के बाद भी मेरा इस्तीफा मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, सरकार गिर गई तब मैं मंत्रिमंडल में नहीं रहा। तो मैं तो आभारी उद्धव जी का भी हूँ, पवार साहब का भी हूँ। महाविकास आघाड़ी के खिलाफ लड़ रहे हो, उद्धव ठाकरे के आभार मान, महायुति के खिलाफ भी लड़ रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी महायुति के साथ भी लड़ रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी के साथ भी लड़ रहा हूँ, नवाब मलिक वर्सेस ऑल चुनाव हो रहा है। आपके लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है? संघर्ष मेरा जीवन ही संघर्ष में है, और संघर्ष में ही राजनीति करना कहीं ना कहीं मेरी पूरे राजनीतिक इतिहास इसी तरह का है, शायद इसी से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। लेकिन दाऊद के साथ जब नाम जोड़ा जाता है, फिर नाम फिर आप बोल रहे हैं, सब लोगों के मुकदमे डाले जाएंगे, उनको पता चलेगा बदनामी करने का नतीजा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक जी, ऑल द बेस्ट। नवाब मलिक की सीट जो है हमारे सुरेंद्र महतो, बहुत बहुत एक सेकुलर नेता, महायुति के साथ भी है, महायुति के वोट भी नहीं मिलेंगे, तो ये सारा रंजित।